नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। जबलपुर शहर में फर्जी पुलिस बनकर लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में आरोपी सोने की चेन और अंगूठी लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जुटी आरोपी की तलाश में पुलिस। आरोपी बाइक से आए थे और ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पहने हुए थे। मामले में पीड़ित अनिल सलामी ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने कहा है कि वह चेरीता से दाहोद नाका की ओर जा रहा था, तभी एक बाइक पर सवार दो लोगों ने उन्हें आवाज देकर रोका। आरोपी पुलिस की वर्दी पहने हुए थे। बदमाश पीड़ित युवक को आई कार्ड दिखाकर कहने लगे कि वे पुलिस वाले हैं और गाड़ी चेकिंग कर रहे हैं। इसी बहाने आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया। लूट की इस घटना का एक सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि लुटेरे किस तरह चेकिंग के नाम पर पहले पीड़ित को रोकते हैं और फिर उसे कागज दिखाने के बहाने उसकी सोने की चेन और अंगूठी लेकर वहां से भाग जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की वर्दी में हुई इस लूट के बाद पुलिस महकमा भी सदके में है, लिहाजा पुलिस भी पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सबके सामने ला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सीआईडी न्यूज। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए सीआईडी न्यूज के साथ।